नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक कर्मचारियों के आंदोलन से शिवराज सरकार पर भारी दबाव है। मांगे पूरी करने पर सरकार पर विधायकों का भी दबाव है, यानी कि विधायक भी कर्मचारी शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं कि इनकी प्रमुख मांगों को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कर्मचारी उनसे सवाल करते हैं और फिर विधायक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो विस्तार से पूरी खबर जानेंगे दोस्तों, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार। तो दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें, इस पर अपने विचार लिखें। आगे भी जो भी अपडेट होता रहेगा तो हम आपको देते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े भी रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके। तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को, लेट्स गो। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधायकों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 40 विधायकों ने खुले तौर पर पत्र लिख करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जरा गंभीरता से विचार करिए, क्योंकि यह मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। विधायकों ने इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया है कि इस आंदोलन का असर बहुत व्यापक तौर पर हो रहा है, क्योंकि अगर भरत पटेल इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठ गए और खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत और भी ज़्यादा गंभीर हो गई तो फिर यह मामला गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ कर्मचारियों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन का व्यापक असर आम जनमानस पर भी देखने को मिल रहा है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगेगा। विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बाबत अवगत कराया है कि कई कर्मचारी लगातार हमसे क्षेत्र में जब मिलते हैं तो वह यही प्रश्न पूछते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हमारी मांग को लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, और हम लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें सरकार की तरफ से इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं दी गई है जिसके लिए हम कर्मचारियों से कोई संवाद स्थापित कर सकें, और यही कारण है कि लगातार कर्मचारी हमको घेरते रहते हैं। हम क्षेत्र में जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कर्मचारी हमें घेर लेते हैं और इसके बाद सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चाहते हैं कि सरकार को स्पष्ट बात करें, ना कि सिर्फ बैठकों के जरिए आपस में मंथन चिंतन चलता रहे, क्योंकि यह कर्मचारी अब अपने आंदोलन को ख़त्म करने वाले नहीं हैं और उनके आंदोलन का व्यापक असर लगातार देखने को मिल रहा है। एक विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंत में हमें हार मान करके इन कर्मचारियों के मांग को स्वीकार करना पड़ जाए और अंतिम में यह फैसला हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि अगर हम इन कर्मचारियों की मांग समय रहते मान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी हमारे साथ हो जाएंगे, और नहीं तो चुनाव के वक्त से पहले अगर हम कर्मचारियों के सामने घुटने टेक करके इनकी मांगों को मानते हैं तो फिर यह कर्मचारी हमारे खिलाफ़ वोट भी करेंगे और हमें हार का भी सामना करना पड़ेगा। अब यही कारण है कि एक विधायक ने इस बात का जिक्र किया है कि जैसे केंद्र की सरकार ने किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज कर रही थी लेकिन साल भर बाद सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा था, ठीक उसी तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर कर्मचारियों का आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा और इसके बाद हम चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांगों को अगर मान भी लेते हैं तो फिर हमारे पक्ष में मामला नहीं आएगा, बल्कि यह मामला हो जाएगा कि कर्मचारियों के दबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हार मान लिया और कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर दिया है और इसके बाद कर्मचारी हमारे खिलाफ भी वोट करेंगे, तो ऐसे में हमारी फजीहत ज़्यादा हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जब 40 लीटर पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले पड़ते नज़र आ रहे हैं और यही कारण है कि सभी को यह लगने लगा है कि कम से कम कर्मचारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए और जिस तरीके से कर्मचारियों के आंदोलन का व्यापक असर राज्य सरकार की कोष पर पड़ने लगा है, क्योंकि इस आंदोलन के कारण भारी संख्या में कर्मचारी अपने काम को रोक दिए गए हैं और ऐसे में सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। इससे अहम बात यह है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आंदोलन को लेकर अपनी बेरुखी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यही कारण था कि 100 से ज़्यादा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में सस्पेंड करवा दिया, लेकिन उनको लगा था कि इस तरीके की कार्रवाई से कर्मचारी संगठन और कर्मचारी डर जाएंगे और आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बकायदा अपने सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी कि वो कर्मचारियों के आंदोलन को देखें और उसके बाद यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस कार्रवाई का अभी असर अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर 100 से ज़्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया उसके बाद से कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज
को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कर्मचारियों के आंदोलन को नज़रअंदाज किया और उनकी प्रमुख मांगों को ध्यान से नहीं रखा और खासकर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, तो ये कर्मचारी कहीं पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार का तख्ता पलट न कर दें, क्योंकि पिछले हफ्ते में कर्मचारियों के आंदोलन में भारी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की खबरें मीडिया में चल रही हैं, देखते हैं अब क्या होता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके अपने बचा लिखें। वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।